इस बीच नरेंद्र मोदी की धुआंधार रैलियां जारी हैं। मोदी की फैजाबाद रैली पर विवाद खड़ा हो गया है। मंच पर भगवान राम की तस्वीर के इस्तेमाल को लेकर मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग सख्त हो गया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि धार्मिक प्रतीक या चिन्ह का इस्तेमाल करना और धर्म के आधार पर चुनाव की अपील करना चुनाव आचार संहिता का सीधा सीधा उल्लंघन है। चुनाव आयोग ने रैली की फुटेज मांगी है। यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी ने फैजाबाद के डीएम से रिपोर्ट मांगी है। वहीं कांग्रेस को बैठे बिठाए मोदी को घेरने का मौका मिल गया। कांग्रेस चुनाव आयोग से मोदी की शिकायत करेगी। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल का कहना है कि बीजेपी जब हारती है तो राम नाम का सहारा लेने लगती है। अपने जन आकांक्षा के केंद्र, जन सम्मोहन के केंद्र, राज और विकास के प्रतीक भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, ये मेरा सौभाग्य है कि प्रभु राम जी की पावन धरती पर यहां की पवित्र मिट्टी को मेरे माथे पर चढ़ाने का सौभाग्य मिला। जब लोग मंच पर श्री राम की तस्वीर, जुबां पर राम का नाम, नरेंद्र मोदी पर चुनाव आयोग कितना सख्त होगा ये देखना होगा, क्योंकि आचार संहिता के हिसाब से आप प्रचार में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं धार्मिक प्रतीकों का। नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा था वो आपको सुनाते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि प्रभु राम जी की पावन धरती पर यहां की पवित्र मिट्टी को मेरे माथे पर चढ़ाने का सौभाग्य मिला। जब लोग महात्मा गांधी को पूछा करते थे कि राज कैसा होना चाहिए, लोगों का कल्याण कैसा होना चाहिए, सरकार ने लोगों के लिए काम कैसा करना चाहिए, तो महात्मा गांधी एक शब्द में समझा देते थे कि अगर कल्याण राज की कल्पना करनी है तो राम राज्य होना चाहिए। जहां कोई दुखी न हो, जहां धोबी को भी न्याय मिलता हो, ऐसा कल्याण राज ये महात्मा गांधी कहा करते थे। मैं जरा भगवान राम जी जहां सच के सिवाय कुछ बोला नहीं जाता है, प्राण जाए और वचन न जाए, ये धोखेबाजों ने क्या किया, ये धोखेबाजों ने क्या किया, वचन दिया था 10 करोड़ को रोजगार देंगे, यहां कोई है जिसको मां बेटे की सरकार ने रोजगार दिया हो, कोई है जिसको सबके दिल्ली ने रोजगार दिया हो, आपके गांव में कोई है, आपके परिवार में है, आपकी बिरादरी में है, ये वचन भंग किया कि नहीं किया, क्या राम जी की भूमि में वचन भंग को माफ किया जाता है, राम जी की परंपरा में वचन को तोड़ा जाता है, ये बहन जी भ्रष्टाचार हटा सकती है, ये मां बेटे की सरकार भ्रष्टाचार हटा सकती है, आप भगवान राम की भूमि में बैठे हो, जो बोलोगे सच बोलोगे पक्का, जो बोलोगे सच बोलोगे पक्का, कोई झूठ नहीं बोलेगा ना, आपके दिल से जो आवाज निकलेगी वही बोलोगे ना, पक्का सच बोलोगे ना। आप मुझे बताइए देश में भ्रष्टाचार कौन खत्म कर सकता, मैं
मैं प्रभु राम जी की धरती से आपको विश्वास दिलाता हूं,